नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। कांग्रेस राज की तरह भाजपा राज में अपने अपनों को रेवड़ी नहीं बांटी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के विपक्षी दलों के नेताओं को भी खूब आड़े हाथ लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा आज इंद्री हलके के बादसो चौक से होते हुए दर्जन भर गांव से होते हुए करनाल में प्रवेश कर गए। करनाल में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा का अभिनंदन एवं स्वागत किया। मंत्री है, अब सब लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। तो एक ही है कि 2014 में हरियाणा की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत देकर के सरकार बनवाई थी। हमने इन 5 सालों में अपने पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से और हर प्रकार से दिन रात एक करके आप लोगों की सेवा की है। सेवा के काम भी और विकास के काम भी इतने कराए हैं कि अगर मैं विकास के कामों को गिराने लगूं शायद आज की यात्रा की शाम यही हो जाएगी। मैं अभी कर्णदेव जी से पूछ रहा था, मैंने कहा इस इलाके में कितने काम हुए, ये कहते हैं लगभग 1300 करोड़ रुपए के काम हुए। बड़े पूछते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है, अभी आपने दिया, आपका पैसा आपको दे रहे हैं, हमारा क्या। वो पूछते हैं तो पहले सुन लो, रेवड़िया बांटे रेवड़िया, फिर अपने अपनों को दे कौन ये आप कह रहे ना। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।